देवकीनंद ठाकुर जी कथावाचक का क्या कहना है, आइए उस पर प्रकाश डालकर के चीज़ों को स्पष्ट समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हैवानियत हो रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। यह आग आपके घर तक न पहुँच जाए उसके पहले आवाज़ उठा, और सभी सनातनियों से केवल एक सवाल, आखिर कब तक सोए रहेंगे आप, चुप रहेंगे आप? क्योंकि टारगेट कोई जाति नहीं, पूरा धर्म हो रहा है। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देख करके अपनी मनसा को क्लियर करें। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, धन्यवाद। हिंदू इसलिए ना, क्योंकि हिंदू सेंसिल है, हिंदू इसलिए कि हिंदू सब सह लेता है, हिंदू इसलिए कि हिंदू कुछ अब बोलता नहीं है, हिंदू इसलिए कि अपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कमाई में ध्यान देता है। लेकिन आज के युग में, वर्तमान युग में अगर आपको जीवित रहना है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कमाई और खवाई और सुवाई के अलावा भी आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी। अगर इस वर्ल्ड में जीना है तो, अगर इस दुनिया में जीना है तो, अगर जैसे हम लोग जी रहे ना, अगर ऐसे ही जीते रहे तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हिंदुओं को टारगेट पाकिस्तान में किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में किया गया, और हिंदुओं को टारगेट और की बात क्या कहें, हिंदुस्तान में किया जा रहा है। भैया, यहां कन्हैयालाल मरता है, उसका सर काटा जाता है तो किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई हलाक को अगर कोई एक आध कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए पूरे लीडर्स, पूरे समाज, पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आवाज उठाते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, और ये हमारे सनातन के लिए और देश के लिए अहितकर है। हम लोगों को सावधान होकर अपनी बहन, अरे मैं तो ये कहता हूं, तुम सेंसिल रहो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, लेकिन तुम्हारी बहन बेटियों पर जब आंच आ रही है तब भी तुम आवाज नहीं उठाओगे? तुम्हारी बहन बेटियों को घर से घसीट घसीट के निकाला जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, तब भी हम लोग सोते रहेंगे? फिर काय के मर्द हैं रे, फिर काय की मानवता है हमारे अंदर? किस लिए हैं हम लोग? सिर्फ रोटी खाने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना हम लोग। दो चीज के लिए शस्त्र जरूर उठाना चाहिए, एक अपने धर्म की रक्षा के लिए, दूसरे अपनी मां बहन बेटी की रक्षा के लिए। और जो ऐसा नहीं करता उसे मरा हुआ समझना चाहिए, उसे जिंदा नहीं समझना चाहिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत अगर खतरे में आएगी तो हम लोगों को आवाज उठानी। और इस समय पूरे भारत में हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को, मैं इस समय अमेरिका में हूं, सुबह है जब मुझे पता चला कि मुझे टीवी चैनल पर जाना है, मैं तुरंत तैयार हुआ हूं। किस लिए हुआ हूं? अपनी आवाज सनातनियों तक पहुंचाने के लिए हुआ हूं कि आप कम से कम अपनी रक्षा, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए खड़े होइए। और जो बांग्लादेश में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, भारत से बड़ी आवाज यहां से जानी चाहिए। मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, आप भारत में रहकर जितने भी लोग हैं सब बोलें और कहें कि मानवता उनको देखे और उन्हें बचाए और उन्हें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी यूनान ले। देखते रहने जी, लेकिन हिंदू के बचाए